हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बात करेंगे अधिगम के बारे में। आज सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएँ, अधिगम की विशेषताएँ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट जुलाई 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी आपका जो सीखना या अधिगम होता है वह एक व्यापक और सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है और आपका जो सीखना शुरू होता है वह बच्चे के जन्म के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, यानी अपने जीवन में प्रत्येक समय वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। यानी जो एक आपका जो अधिगम होता है, सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात है कि यह व्यापक एवं सतत होता है और इसके साथ यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। और जो सीखना बच्चे का या किसी भी का जो शुरू होता है वह बच्चे के जन्म से ही सीखना प्रारंभ हो जाता है और वह अपने धीरे धीरे वातावरण में खुद को वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयत्न करता है। और इस समायोजन जब वह इस प्रकार का समायोजन कर रहा होता है तो वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इसके बाद आगे इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। यानी यह जो अभी ऊपर प्रक्रिया बताई गई यह आपके मनोविज्ञान में उसे सीखना, लर्निंग या फिर अधिगम कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। यानी जो व्यक्ति जितना सीख सकता है, जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता अधिक होगी वह व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही विकास कर सकता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, अतः सीखना किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। यानी जो आपकी सीखने की प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो एक व्यक्ति होता है वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उपक्रियाएं करता है। यानी वह किसी ने जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के प्रति कोई ना कोई क्रिया करता रहता है और वह उसकी सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद हम बात करेंगे उदाहरण के तौर पर, हमारे सामने छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है, वह हाथ को पीछे खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ को नहीं बढ़ाता वरन उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति में के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभवों के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यानी जब आप किसी चीज को बच्चा उसके पास मान लीजिए लैंप दिया है उसके पास गया बच्चा और एक बार उसने उसको लॉक को पकड़ने की कोशिश की जिसके उसका हाथ जल गया, तो हो सकता है जब वह आगे बच्चा जाएगा तो उसके दिमाग में यह रहेगा कि अगर मैं इसको दोबारा से पकड़ूंगा तो मेरा हाथ जलेगा, तो इसलिए वो क्या करेगा कि उस अपने हाथ को आगे बढ़ाएगा नहीं और इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर यह चीज महसूस कर लेता है कि अगर मैंने इसको छुआ तो मेरे मतलब एक क्षति या नुकसान मुझे ही होगा। यानी आपकी इस स्थिति इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। यानी पहले स्थिति ये थी कि उसे पता नहीं था, उसने लॉ को जो दिया जल रहा था उसकी लॉ को टच कर लिया, लेकिन बाद में जब उस स्थिति के बारे में वह जान गया और उसने दोबारा उसको टच नहीं किया। और आपका जो अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। यानी जब एक बार बच्चे को अनुभव हो गया तो उसी के आधार पर उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया कि मुझे इसको आगे से टच नहीं करना है। इसके बाद बढ़ेंगे हम अधिगम की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे।
सबसे पहले जो अधिगम की परिभाषा है वो आपकी स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी स्किनर मानते हैं कि जो सीखना होता है वह व्यवहार में सामंजस्य करने की प्रक्रिया होती है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। जैसे जैसे कोई कुछ सीखता है यानी वह अपने सामंजस्य करने की यानी समायोजन करने की जो उसकी क्षमता है उसमें उसके बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी परिभाषा है आपकी क्रू एंड क्रू के अनुसार। क्रू एंड क्रू कहते हैं सीखना आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। आपके जो क्रू एंड क्रू हैं वह मानते हैं कि जो सीखना होता है वह आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। वहीं वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यानी जब बच्चा या कोई व्यक्ति कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करता है या नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया करता है वही आपकी अधिगम प्रक्रिया या वही आपका सीखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी जेफी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी किसी व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए गिलफोर्ड मानते हैं कि उसका वही परिवर्तन जो परिवर्तन है वही उसका अधिगम है। इसके बाद गेट्स की परिभाषा है आपकी। गेट्स कहते हैं अनुभवों प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार का संशोधन व परमार्जन करना ही अधिगम है। लेकिन यहाँ पर गेट्स जो मानते हैं गेट्स कहते हैं कि अनुभवों प्रशिक्षण द्वारा यानी अपने अनुभवों को प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों में संशोधन और परमार्जन करना ही अधिगम है। वही एक और है क्रोबैक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यानी जो अधिगम होता है वह अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसके द्वारा ही अधिगम या सीखना व्यक्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अधिगम की विशेषताओं की। तो यह थी अभी तक आपकी अधिगम की परिभाषाएं। सबसे पहले अधिगम की जो विशेषता होती है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है यानी जो सीखना होता है वह व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरा है अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। यानी जो हमने व्यवहार अर्जित किया है जो हम सीखे हैं उसकी जो प्रकृति होती है वह अपेक्षाकृत स्थायी होती है। इसके बाद है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जो अधिगम होता है जो सीखना होता है वह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो सतत एवं व्यापक रूप से जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। इसके बाद बात करेंगे अधिगम एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। यानी जो आपकी अधिगम होता है यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। इसके बाद है आपका अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। यानी जो अधिगम होता है उसका एक उद्देश्य होता है और वह उसका जो एक लक्ष्य निर्देशित होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम अधिगम का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्थाओं से होता है। यानी जो अधिगम होता है उसका जो संबंध होता है वह हमारे आसपास जो नए अनुभव हैं यानी जो नए अनुभवों की जो व्यवस्था होती है उससे उसका संबंध होता है। सेवंथ है आपका अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। यानी जो अधिगम होता है वो वातावरण और उसके साथ जो किया गया इंटरेक्शन या क्रियाशीलता है यह दोनों की एक उपज होती है आपका अधिगम। एट्थ है आपका अधिगम हेतु एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। यानी जो अधिगम होता है मान लीजिए कि किसी एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति का अनुभव जहां मिल जाए वह भी आपका क्या कहलाता है अधिगम। नेक्स्ट है अधिगम समायोजन में सहायक है। यानी जो अधिगम होता है वह आपका एडजस्टमेंट यानी समायोजन में सहायक होता है। और टेंथ है आपका अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति अधिगम किया हुआ है यानी सीखा हुआ है तो वह अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए कहते हैं कि अधिगम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सीखने की जो विभिन्न आपके जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई उसके आधार पर एक मनोवैज्ञानिक यूकम और उनके साथी थे सिम्पसन उन्होंने इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं निकाली। और जो विशेषताएं आपकी इस प्रकार हैं कि जो सीखना होता है वह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। दूसरा सीखना में संपूर्ण जीवन चलता है। यानी जो सीखना होता है वह जीवन पर्यंत
चलता है। इसके बाद आता है सीखना एक विकास है, यानी जो अधिगम होता है वह भी एक प्रकार का विकास होता है। सीखना परिवर्तन है, सीखना अनुकूलन है। इसके नेक्स्ट है आपका सीखना अनुभवों का संगठन है। सेवंथ है सीखना विवेकपूर्ण है, और एट्थ है आपका सीखना सक्रिय है। नाइन्थ है सीखना वातावरण की उपज है, और टेंथ है सीखना खोज करना है। यानी जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाएं दी गई, तो योकम और आपके सिम्पसन ने उन परिभाषाओं के आधार पर ये आपकी कुछ विशेषताएं बताई जो कि आपकी अधिगम की होती हैं। इसके हम बात करेंगे, इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आपका अधिगम पर जो बाह्य कारक इंटरनल फैक्टर जो प्रभाव डालते हैं उसके बारे में, अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, एवं अधिगम से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो आपके सीटेट जुलाई 2020 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।